हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एमपीआर आरओ चैनल। आज हम लोग सीखेंगे 100 एलपीएच आरओ प्लांट का बारे में सीखेंगे। ये 100 एलपीएच का आरओ प्लांट है। इसमें से पानी बिल्कुल आ नहीं रहता, वेस्टेज पानी ना रिजेक्ट वाटर है। इसलिए इसका खोल के देखा, देखिए फिल्टर का हालत क्या है। देखिए पूरा मिट्टी भरा हुआ था, इसमें से पूरा सैंड मिट्टी मिला है। अभी देखिए माइक्रो फिल्टर 20 इंच का है, पहले वाला खोल दिया। अभी सेकंड कार्बन फिल्टर 20 इंच का है, कार्बन फिल्टर भी रिमूव कर रहा है। किस तरीके से खोलते देखिए फ्रेंड्स। देखिए ये कार्बन फिल्टर है, 20 इंच का कार्बन फिल्टर है। और एक में भी ये प्री फिल्टर आता है, प्री फिल्टर माइक्रो फिल्टर कार्बन फिल्टर का 20 इंच का ही है। और एक हमने ऑलरेडी इसका पैक दिया था, ज्यादा खराब था इसलिए इसका खा ली है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीन फिल्टर लगता है, माइक्रो फिल्टर बोलते हैं। 20 इंच का माइक्रो फिल्टर, एक कार्बन है, एक प्री फिल्टर है और एक फ्री फिल्टर। दो फ्री फिल्टर है, एक कार्बन फिल्टर लगेगा। इसमें तीन चीज लगता है, एक ज्यादा गंदा हो गया था इसलिए उसका पैक दिया। देखिए अभी तीन फिल्टर है इससे से। अभी इसमें देखना है कहाँ कहाँ इसमें ब्लैकेज होता है, कहाँ कहाँ सर्विस करता है, ये सीखेंगे। देखिए इनपुट, सबसे पहले इनपुट वाटर है, उसमें से कितना मिट्टी कहाँ से ब्लैक हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। इनपुट वाटर है आरओ का है। देखिए 100 एलपी के चारो प्लांट का सर्विसिंग चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए प्लस। देखिए इनपुट कनेक्शन है, 100 एलपी के आरओ प्लांट का इनपुट कनेक्शन है। इनपुट कनेक्शन से पाइप निकाल रहे, देखिए किस तरीके से पाइप निकाल रहे। देखिए लॉक का अंदर दबा के खींचेगा, पाइप का लॉक निकल जाएगा। देखिए कितना गंदा है, पूरा एकदम पूरा गंदगी निकाल रहा है इसमें से, पूरा एकदम मिट्टी जमा हुआ। इसलिए पहले इनपुट का पानी बिल्कुल आने रहता, एकदम मेन इंपॉर्टेंट का जगह है ये। देखिए फ्रेंड्स अब क्लियर पानी आ रहा है। अब देखिए इसका प्लास से मार रहा है, देखिए पूरा एकदम ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है पाइप का कनेक्शन इनपुट से। इसका पूरा साफ करके उसका बाकी फिल्टर बदलना है, जो भी वाश करना है बदलना है। देखिए इसका फिल्टर ही बदलना पड़ेगा, फिल्टर ज्यादा खराब हो चुका है इसमें। 100 एलपी के चारो प्लांट में माइक्रो फिल्टर कार्बन फिल्टर किस तरीके से चेंज होता है, इसका सर्विसिंग कैसे होता है सीखेंगे इसी वीडियो पे। देखिए फ्रेंड्स इनपुट कनेक्शन का क्लीन कर रहे हैं, देखिए पाइप से कितना मिट्टी आ रहा है पूरा। इस तरीके से हमने इसका साफ सफाई कर सकता है, क्लीन कर सकता है। सबसे पहले आरओ में इनपुट कनेक्शन चेक करना है, रिजेक्ट वाटर नहीं आएगा, इनपुट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए देखिए इनपुट कनेक्शन चेक किया था, पूरा मिट्टी है। अब देखिए अभी प्रेशर कैसे आ रहा, पहले देखिए ना कम आया था पानी, अभी देखिए इतना प्रेशर से पानी आने लग गया पूरा। देखिए अभी बढ़िया प्रेशर हो गया, देखिए जो भी जाम सब क्लियर हो चुका है। देखिए पानी का प्रेशर भी ज्यादा हो गया है। देखिए प्लस वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आप जो भी कमेंट करेगा आधा घंटा के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए जो चेंज करना है वो वाला फिल्टर है, इसमें दो प्री फिल्टर है, 20 इंच का है, एक माइक्रो फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है। देखिए फ्रेंड्स इसमें दो फिल्टर है, माइक्रो प्री फिल्टर बोल सकता है, इसमें कैंडल 20 इंच का है। देखिए ये हाउसिंग है, अब देखिए जैसे पुराना वाला है वो पूरा हटा दिया। उसके बाद देखिए ये पाइप का भी किस तरीके से साफ कर रहा है, देखिए इस तरीके से साफ भी कर सकता है, क्लीन हो जाएगा। इसमें पूरा मिट्टी जम गया था पाइप से, रिसर्विसिंग कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स आरओ का पाइप है, इस तरीके से कार्नर पे मार के थोड़ा फिर कनेक्शन खोलेगा, पूरा जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगा सारे। 3x1 का इसका साइज है, 1/4 का भी है, 8 का भी है। देखिए प्रश्न अभी पाइप का कनेक्शन है, जो भी मिट्टी वगैरह सब निकाल जाते हैं इसमें पाइप कनेक्शन से। चलिए इसमें और भी मिट्टी है, पूरा जाम हो गया था इसलिए और भी इसका मार के देखिए फ्रेंड्स। अभी देखिए कितना कचरा आ रहा है। आप देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वीडियो के बारे में जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए प्रण। इस तरीके से इसका मिट्टी है, पूरा ज्यादा मिट्टी है इसमें से, इस तरीके से इसका साफ करो। देखिए इस तरह धीरे धीरे करके एकदम आराम से मारेगा, पाइप बच जाएगा, नहीं तो नया पाइप चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा मोटा टाइप का पाइप है इसलिए इसका रिसर्विस कर रहा है।
से पूरा मिट्टी है, जो भी कचरा आदि पूरा हट गया है, इसलिए आरओ का अंदर बिल्कुल पानी आना ही रहता है। सबसे पहले आरओ में कभी भी देखना है रिजेक्ट वाटर आ रहा है कि नहीं, अगर रिजेक्ट वाटर नहीं आएगा इनपुट कनेक्शन चेक करना था। देखिए पाइप का पूरा साफ कर दिया है हमने, फिर मोटर से प्रेशर से साफ करवाया, पूरा साफ हो चुका है। अब चलिए कार्बन फिल्टर है ये, देखिए अभी फिल्टर किस तरीके से चेंज करना है, इसका इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया आरओ का फिल्टर है, देखिए माइक्रो फिल्टर है, 20 इंच का है, 20 इंच का माइक्रो फिल्टर किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है, चेंज करना है, रिप्लेसमेंट करना है सीखेंगे। अब चलिए तीनों को तीन रख दिया है, 20 इंच का दो माइक्रो फिल्टर है, ये कार्बन फिल्टर है, बीच पे आएगा कार्बन फिल्टर, 20 इंच का कार्बन फिल्टर बीच में आएगा। अब चलिए माइक्रो फिल्टर का है, फिटिंग चल रहा है, देखिए इस तरीके से इसका रिप्लेसमेंट करना है। अब चलिए पूरा फिट हो चुका है माइक्रो फिल्टर का है, देखिए 20 इंच का इसका पतला टाइप का रहता है, बड़ा वाला आरओ प्लांट में रहता है उसका जंबो फिल्टर बोलते हैं, इसका माइक्रो फिल्टर है वो जंबो फिल्टर है, बड़ी वाला का है जंबो फिल्टर है। फ्रंट फिल्टर 20 इंच का, वो भी 20 इंच का है, लेकिन उसका डायमीटर है 3 है, 3 mm वाला है, ये छोटी है। देखिए फ्रेंड इसका साइज का भी अलग है। अब चलिए कार्बन भी लगा दिया, देखिए फ्रेंड 20 इंच का कार्बन है बीच में लगता है। उसके बाद सेम फिल्टर जैसे पहले लगाया उस सेम फिल्टर लास्ट में भी लगेगा, इसमें कोई भी आरओ मॉडल है इस तरीके से लगा सकता है, क्योंकि कार्बन अम्ल का कैल्शियम आयरन का जो भी है पानी का है मीठा करता है, पानी का स्मेल भी चेंज करता है, इसलिए कार्बन वाला लगाना जरूरी है फ्रेंड। बाकी पत्ता मिट्टी रुकता है जो भी है प्री फिल्टर का है। अब चलिए दो फिल्टर लगा दिया, उसके बाद पानी खोल के पानी चेक करना है, इनपुट कनेक्शन का पानी आ रहा है कि नहीं चेक करना है, क्योंकि यार रिलीज करने के लिए तुरंत तीनों नहीं लगाना है, एक बार चेक करना कि अच्छा है पानी कैसे आ रहा है क्या है। देखिए फ्रेंड्स 100 LP के चारों प्लांट में किस तरीके से फिल्टर चेंज करना है सीख रहे इसी वीडियो पे चल रहा है। जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, जो काम चल रहा है वो लाइव दिखा रहे हैं आप लोग के लिए, कोई भी काटपुट का वीडियो नहीं है। इनपुट से पानी खोल दिया, देखिए दोनों भरने के बाद अभी पानी बढ़िया आने लग गया, अब पानी बंद कर दिया है। अब चलिए ये लगा रहे, देखिए अब चलिए माइक्रो फिल्टर 20 इंच का है, इसका भी लगा दिया, देखिए फ्रेंड अभी तीनों फिल्टर लगा दिया है। इसके बाद तीनों फिल्टर का बाद एक हाफ एच का मोटर है, टुल्लू पंप है, टुल्लू पंप से इनपुट करके फिर आउटपुट है, आउटपुट निकाल के फिर मेमरिन पे देना है। आपने देखा होगा बैक साइड पे 5-6 मेमोरिन है, 6 मेमोरिन है, उसमें से कनेक्शन देना है। अब चलिए लगा दिया फ्रेंड, अब देखिए इसका फैनर से टाइट भी कर दिया, इसका की से ये माइक्रो फिल्टर का की है, देखिए ये मोटर से आरओ भी बढ़िया चालू होने लग गया। देखिए अब दिखाऊंगा आपका वेस्टेज पानी है जो भी पानी है, अब दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड 100 LP का आरओ प्लांट का बढ़िया पानी आने लग गया, देखिए देखिए फ्रेंड्स आरओ का एकदम बढ़िया चल रहा है, सब फिल्टर चेंज कर दिया है, माइक्रो फिल्टर सारे चेंज हो गया है। क्या देखिए इसका आरओ का TDS चेक कर रहा फाइनल है, देखिए ड्रिंकिंग वाटर TDS 50 से 150 को अंदर होना चाहिए, देखिए 138 है, का मतलब ये एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर है। अभी चलते चलते और भी कम हो सकता है इसका है, अभी चालू किया ना हमने साफ करके इसलिए थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। अब चलिए फाइनल अभी दिखाते हैं कितना TDS आ रहा है, देखिए 143 है, और भी कम हो जाएगा TDS प्योर होने के बाद, चलते चलते कम हो जाएगा क्योंकि पहले का जो भी मिट्टी वगैरह है वो सारे निकल जाएगा। देखिए एक तरफ रिजेक्ट वाटर है, ये देखिए इनपुट कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे पानी का है इनपुट कनेक्शन है, अब देखो पानी खोल दिया है, मोटर भी चालू कर दिया है, देखिए वो रिजेक्ट वाटर का है एक साइड है, जो लेफ्ट साइड में चल रहा है देखिए रिजेक्ट वाटर का है। अभी वेस्टेज पिकअपिंग चल रहा है, अभी देखिए कंटिन्यू अभी पानी आना नहीं है, पानी नहीं आया अभी कंटिन्यू, क्योंकि प्रेशर सारे में 5-6 मेमरिन का अंदर प्रेशर बराबर होगा तब पानी आना लगेगा। देखिए फ्रेंड्स
एक रिजेक्ट वाटर का है, एक ड्रिंकिंग वाटर का है, ये ड्रिंकिंग वाटर है। अब चलिए इसका टीडीएस पैनल नापता है, कितना टीडीएस आ रहा है। टीडीएस मतलब 50 का नीचे नहीं होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए। 50 से 150 का अंदर ये एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर है, वो पानी पी सकता है आपने। एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो भी पानी का वेरियंट है, हम लोग का मिनरल सब कुछ मिल जाएगा। 50 से नीचे कुछ नहीं मिलता है, 50 से ऊपर पी लीजिए, कुछ भी पानी 50 का ऊपर पी लीजिए, अच्छा लगता है। देखिए अब चलिए इसका फाइनल टीडीएस कितना है दिखाऊंगा आपका। देखिए 190 कुछ आ रहा है। देखिए अभी क्लीन कर रहा है, धीरे धीरे साफ होने लगेगा। देखिए पानी अभी पिकअप होने लग गया है। चलिए फ्रेंड्स टीडीएस देखते हैं।